हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो कहते हैं कि वो लेसन पढ़ाएं जहां फेज का यूज एक सब्जेक्ट के जैसे होता है, यानी फेज एज ए सब्जेक्ट। तो आइए फ्रेंड्स, इस लेसन को समझें। बहुत दिलचस्प लेसन है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत पसंद आएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देख लें कि फेज होता क्या है। इस लेसन को समझने के लिए बात जानना बहुत जरूरी है। फेज कुछ वर्ड से बने होते हैं, यानी कुछ शब्दों से बने होते हैं जो सेंटेंस के एक पार्ट होते हैं। फेज को हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी कहते हैं। वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें आपसी पकड़ और एक खास तरह का रिलेशन होता है, यानी खास संबंध होते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात आपको ये जानना है कि फेज वर्ड में सब्जेक्ट और वर्ब का कोई तालमेल नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता, जैसा कि एक क्लॉज या सेंटेंस में होता है। यानी एक क्लॉज या एक सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक तालमेल होती है, एक मेल होती है या एक एग्रीमेंट होती है, लेकिन फेज के साथ ऐसा नहीं है। आइए फ्रेंड्स, इस बात को एग्जांपल में समझें। क्या लिखे, यह एक फेज वर्ड है जो एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है, यानी सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। हमारा पूरा सेंटेंस है, क्या लिखे यह मालूम नहीं है। तो आइए फ्रेंड्स, देखें कि इसको कैसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले मैं आपको छोटा छोटा करके समझाऊंगा ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ सके। जैसे अगर लिखा हो क्या लिखें, तो इस फेज वर्ड्स की इंग्लिश होगी व्हाट टू राइट। आइए फ्रेंड्स, कुछ और छोटे छोटे वर्ड्स देखें, उसके बाद इस फुल सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ सके। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे छोटा छोटा करके देखें ताकि आपको बात शानदार तरीके से समझ में आ सके। उसके बाद मैं फुल सेंटेंस लिखूंगा और आपको बताऊंगा कि इसे कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर लिखा हो क्या खाएं, तो आप इसकी इंग्लिश लिखेंगे व्हाट टू ईट। यह फेज वर्ड्स है। क्या खाएं, व्हाट टू ईट। कहां जाएं, वेयर टू गो। कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड। कब आएं, व्हेन टू कम। तो फ्रेंड्स, अगर लिखा हो क्या देखें, तो आप कहेंगे व्हाट टू सी। क्या करें, What to do। क्या सुने, What to listen। कैसे पकाएं, How to cook। कैसे काम करूं, How to work। कैसे नाचें, How to dance। कहां रहें, Where to live। कहां आराम करें, Where to take rest। कब आएं, When to come। कब जाएं, When to go। कब खाएं, When to eat। कब बात करें, When to talk। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि छोटी छोटी बातें आपको समझ में आई। आइए फ्रेंड्स, अब इस बात को एक फुल सेंटेंस में देखते हैं। फ्रेंड्स, लिखा हुआ है क्या खाएं, यह एक समस्या है। तो आइए फ्रेंड्स, इसको ट्रांसलेट करें। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्या खाएं इसकी इंग्लिश होगी व्हाट टू ईट। तो यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। आइए फ्रेंड्स, अब देखें कि यह एक समस्या है को कैसे ट्रांसलेट करना है। फ्रेंड्स, इस तरह के सेंटेंसेस में जब आपका दूसरा सेंटेंस शुरू होगा तो यह वह ये वे इन चारों में से कोई एक वर्ड आएगा, चाहे यह लिखा हो या वह, चाहे ये लिखा हो या वो, आमतौर पर इन चारों में से एक आता है। लेकिन जब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे तो यह वह ये वे इस तरह के वर्ड अगर आपको दिखे तो उसकी इंग्लिश गायब कर देना है, यानी आप उसकी इंग्लिश न लिखें। जैसा कि इसे ट्रांसलेट करते हुए मैं यहाँ पर यह की इंग्लिश दिस लिखूंगा, क्योंकि मैं आपको आसानी से समझा सकूं कि इसे कैसे ट्रांसलेट करना है। फिर समझाने के बाद मैं दिस को हटा दूंगा। यहाँ पर लिखा है यह एक समस्या है, यह के लिए आप लिखेंगे दिस, है के लिए आप लिखेंगे इस, और एक समस्या अ प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ देखा, यह के लिए मैंने लिखा दिस, लेकिन यहाँ पर आपको एक बात गौर करना है कि यह वह ये वे की इंग्लिश गायब कर देना है, आपको नहीं लिखना है। और ये एक करेक्ट ट्रांसलेशन है, क्या खाएं या एक समस्या है, What to eat is a problem। आइए फ्रेंड्स, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके पहले कि मैं दूसरा एग्जांपल बताऊं, मैं एक और खास बात आपको यहाँ बता दूं। बाय द वे, अगर यहाँ कोई वर्ब हो, यानी कोई एक्शन वर्ड हो, तो आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा। आगे के एग्जाम्पल में यह बात आप सीख लेंगे। कहाँ जाए, यह एक प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लिखिए कहाँ जाए, Where to go। उसके बाद यह एक प्रश्न है, तो यह की इंग्लिश छोड़ दें, एक प्रश्न है, इज अ क्वेश्चन। कहां जाएं, यह एक प्रश्न है, वेयर टू गो इज अ क्वेश्चन। और फ्रेंड्स, ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आइए फ्रेंड्स, अब इसे ट्रांसलेट करें।
कैसे पढ़ें यह तय नहीं है। फ्रेंड्स, तय एक वर्ब है, तय मतलब डिसाइड, और ये एक एक्शन वर्ड है यानी एक वर्ब है। तो जब हम यहाँ पर डिसाइड लिखेंगे तो उसका थर्ड फॉर्म लिखना होगा। कैसे, आइए इस बात को एग्जाम्पल में समझें। कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड, या को छोड़ देना है, यह तय नहीं है, इज नॉट, और तय की इंग्लिश होती है डिसाइड, लेकिन आप लिखेंगे डिसाइडेड, आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। कैसे पढ़ें यह तय नहीं है, हाउ टू रीड इज नॉट डिसाइडेड। आइए फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको बात पूरी तरीके से समझ में आ सके। तो आइए फ्रेंड्स इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, और यहाँ पर मैं आपको एक खास बात बताऊंगा जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। फ्रेंड्स लिखा हुआ है, क्या लिखें, व्हाट टू राइट, आगे लिखा हुआ यह मालूम नहीं है, तो यह की इंग्लिश आप छोड़ देंगे। उसके बाद मालूम नहीं है, इज नॉट, मालूम यानी नो, और इसका थर्ड फॉर्म होता है नोन। आइए मैं आपको खास बात बता दूं। जैसे कि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं, अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत किसी क्वेश्चन वर्ड से हो तो सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लिखना होता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ खास बात यह है कि आपके सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से होंगी, फिर भी आपको लास्ट में फुल स्टॉप ही देना है, यानी आप कहीं गलती से क्वेश्चन मार्क न दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सेंटेंस रॉन्ग हो जाएंगे। फ्रेंड्स ये बात आप याद रखेंगे कि फेज या क्लॉज वाले सेंटेंस में आमतौर पर आपके सेंटेंस की शुरुआत एक क्वेश्चन वर्ड से होगी, और आपके सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होने के बावजूद भी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप देना है, क्वेश्चन मार्क नहीं देना है। आइए फ्रेंड्स एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए फ्रेंड्स इस दो एग्जांपल को ट्रांसलेट करते हैं। याद रहे कि आज के इस वीडियो में हम सीख रहे हैं कि फेज एज ए सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के रूप में फेज वर्ड कैसे होते हैं या फेज का क्या इस्तेमाल है। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्या करें, यह मालूम नहीं है, तो यह के पहले आया हुआ वर्ड्स क्या करें, यही फेज वर्ड्स हैं जो एज ए सब्जेक्ट आया हुआ है, यानी सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है। लिखा है क्या करें, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट टू डू, आगे लिखा हुआ यह, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यह हुआ कि इंग्लिश छोड़ देनी है, आप उसकी इंग्लिश इग्नोर कर दें। आगे लिखा है मालूम नहीं है, तो आप लिखेंगे इज, इज नॉट, मालूम यानी नो, और यह एक वर्ब है और इसकी थर्ड फॉर्म नोन होती है, तो आप लिखेंगे नोन। मैं आपको ये बात पहले बता चुका हूँ कि अगर यहाँ पर वर्ब हो यानी कोई एक्शन वर्ड हो तो आपको थर्ड फॉर्म लिखना होगा, जरूरी नहीं कि हमेशा वर्ब आए, कई बार वर्ब आते हैं और कई बार नहीं, तो अगर वर्ब हो तो आप थर्ड फॉर्म लिखें। क्या करें यह मालूम नहीं है, व्हाट टू डू इज नॉट नोन। आइए फ्रेंड्स देखें कि इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करना है। यह आपका फेज है जो सब्जेक्ट के तौर पर आया हुआ है, कहाँ ठहरे, वेयर टू स्टे, यह अनिश्चित है, यह इंग्लिश छोड़ देना है, और अनिश्चित है इज अनसर्टेन। जैसा कि फ्रेंड्स आप जानते हैं अनिश्चित कोई एक्शन वर्ड नहीं है, बाय द वे अगर ये एक्शन वर्ड रहता तो हम थर्ड फॉर्म में लिखते, कहाँ ठहरे यह अनिश्चित है, वेयर टू स्टे इज अनसर्टेन। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि फेज एज ए सब्जेक्ट वाला लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। फ्रेंड्स अगर वाकई आप इस लेसन को समझे तो आप इन सब एक्सरसाइज को करें, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही किया या गलत। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।